ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे कि शिवलिंग पर शंकर भगवान का पूरा परिवार कहाँ रहता है। दोस्तों, शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास ही होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं और पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी माता पार्वती शिवलिंग के आसपास ही हैं। अब ये जान लेते हैं कि शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार कहाँ है। देखिए, ये शिवलिंग है और ये गोल जलाधारी है, ठीक है। ये गोल जलाधारी माता पार्वती का हस्त कमल है। ये माता के हस्त कमल पर ही शिवलिंग रखा है। ये महादेव का स्वरूप यानी महादेव है। जहाँ से पानी नीचे गिरता है शिवलिंग में, राइट साइड पे यानी दाहिने भाग गणेश जी का स्थान और लेफ्ट भाग यानी कि बायां भाग कार्तिकेय जी का है। जहाँ शिवलिंग का पानी गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शिव जी की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शिव के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं। देखिए, जिन लोगों के समझ में ना आ पाया हो वो इस स्क्रीन पर चल रहे शिवलिंग को देखें, जहां पर हमने सभी के स्थानों को लिख भी दिया है। अब आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि शिवलिंग पर शंकर भगवान का परिवार कहां कहां पर। तो दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो हर शिव भक्त के पास पहुंच जाए, ऐसी ही कोशिश कीजिएगा। और ये आपको भी बता दें, जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के परिवार में गणेश जी को, कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी को, माता पार्वती को, शंकर जी की 5 पुत्रियों को पहले थोड़ा थोड़ा जल डालकर फिर शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, उससे महादेव अधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। उसका हर दुख दूर करके उसे और उसके परिवार को सुख, संपन्नता और दीर्घायु का वरदान देते हैं। हर हर महादेव।